भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय के प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में मंगलवार को 5 पंचायतों के उपचुनाव परिणाम की घोषणा के 17 दिन बाद आज प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू के द्वारा सभी निर्वाचित हुए लोगों को शपथ ग्रहण कराया गया, जो कुमैठा पंचायत के निर्वाचित मुखिया पायल शर्मा और निर्वाचित कमरगंज पंचायत के वार्ड 3 के सदस्य पंकज कुमार, कमरगंज वार्ड 10 के वार्ड सदस्य अमृतेश झा, तिलकपुर वार्ड 4 पंच बीजेसा करहरिया, वार्ड 4 निर्विरोध पंचमाला कुमारी, कटहरा पंच 13 निर्विरोध सरवन ठाकुर को शराबबंदी पर शपथ लेते हुए पंचायत में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सरकार की योजनाओं तक लोगों तक पहुंचाने की बात कही। इस दौरान दर्जनों समर्थक मौजूद थे। बीटी न्यूज बिहार के लिए भागलपुर से बालमुकुंद कुमार की रिपोर्ट। मुखिया का विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, ये तो उड़ान तय करता है कि आसमान किसका है। 27 तारीख को ही ये फैसला हो गया था कि पंचायत पर पूरा अधिकार पूरा नियंत्रण पायल शर्मा का है, और हमारे पंचायत में जिस तरह से नशा पर हर छोटे से लेके बुजुर्ग तक उसके अधीन हो चुके हैं, उसके खात्मा के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। सबसे पहला काम, दूसरा काम होगा कि स्वर्गीय अनीता देवी ने जो वादा किया था दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, और जो समाज के सबसे निचले पायदान पर हैं उनको एक सूत्र में बांधकर मुख्य धारा में जोड़ने का जो उनका संकल्प था वो पायल शर्मा पूरा करेंगी। इसके बाद हमारे पंचायत में अभी जल नल की सबसे बड़ी समस्या है, हर 2 घंटे पर पानी के लिए आदमी तरसता है। बहुत ऐसे जल नल योजना है जो कि बंद पड़ा हुआ है, कंप्लीट नहीं है। चीज को जो अधूरे कार्य रह गए हैं जल नल का, वो उसकी प्राथमिकता देते हुए पायल शर्मा उनको पूरा करेंगी, और जो भी बचा हुआ कार्य है वो हर कार्य को पायल शर्मा अपने दम पर पूरा करेंगे। क्या संदेश देंगे आम जनता को इस मौके पे, शराबबंदी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? शराबबंदी के लिए शपथ लिए है ना पूरे पंचायत वासियों, क्या संदेश?